राजस्थान में जल्द ही मंत्रिमंडल विस्तार होने वाला है। माना जा रहा है कि नवरात्रों में ही मंत्रिमंडल विस्तार कर दिया जाएगा। अगर ऐसा होता है तो सभी की नजरें इस बात पर टिकी हैं कि मंत्रिमंडल में किस किस को जगह दी जाएगी और क्या चुनाव को देखते हुए युवाओं को भी मौका मिल सकता है। माना जा रहा है कि प्रभारी सुखजिंदर रंधावा ने जो रिपोर्ट तैयार की है उसमें पहली बार जीते विधायकों को भी मंत्रिमंडल में जगह दी जा सकती है। जो नाम निकलकर सामने आ रहे हैं उनमें सबसे पहला नाम है दिव्या मदेरणा। इसके पीछे की वजह बताई जा रही है भारत जोड़ो यात्रा में दिव्या की सक्रियता और गांधी परिवार की गुडबुक में नाम। साथ ही महिला विधायक होने के साथ जोश शोर से अपनी बात रखती है और प्रभावी है। अपनी निष्ठा को किसी व्यक्ति के साथ न जोड़कर कांग्रेस के साथ बताती है। इसके साथ ही कांग्रेस के दिग्गज परिवार मदेरणा परिवार की राजनीति को आगे बढ़ा रही है। वहीं दूसरा नाम है रोहित बोहरा का। रोहित बोहरा भी राजनीतिक परिवार से आते हैं, आर्थिक मामलों के बेहतरीन जानकार हैं और सरकार की आर्थिक नीति में इनका बड़ा योगदान रहता है। वहीं मानेसर कांड के दौरान माना जाता है कि ये उन नेताओं में से हैं जो बॉर्डर में वापस आ गए थे। अब इनको पुरस्कार दिया जा सकता है। तीसरा नाम है दानिश अबरार का। ये भी अपने पिता की सियासत को आगे बढ़ा रहे हैं और ये भी उन नामों में शामिल है जो मानेसर कांड में बॉर्डर से वापस आ गए थे। ऐसा ही एक नाम है प्रशांत बैरवा का। ये भी अपने पिता की राजनीति को आगे बढ़ा रहे हैं और पहले सचिन पायलट गुट में थे लेकिन मानेसर कांड में गहलोत गुट के साथ जुड़ गए, लेकिन अभी लगता है कि फिर से सचिन गुट में हैं। इसके अलावा एक नाम है इंद्राज गुज्जर का। सचिन गुट के नेता माने जाते हैं लेकिन मुकेश भाकर वेद प्रकाश सोलंकी की तरह खुलकर विवादित बयानबाजी से बचते हैं। शांत स्वभाव के हैं और कई मोर्चों पर गहलोत के कामों की तारीफ भी कर चुके हैं। इसके अलावा विधानसभा में उप मुख्य सचेतक महेंद्र चौधरी को भी मंत्री बनाया जा सकता है और कई विधायक ऐसे होंगे जिनको संसदीय सचिव बनाया जा सकता है और विधानसभा में मुख्य सचेतक और उप मुख्य सचेतक जैसे पदों से नवाजा जा सकता है जिनमें सचिन गुट के नेताओं को जगह दी जा सकती है। द पीके टाइम्स की यह खबर आपको कैसी लगी नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं और राजस्थान से जुड़ी खबरों से जुड़े रहने के लिए द पीके टाइम्स को सब्सक्राइब करना ना भूलें।